अच्छा लग रही। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे आए हैं इस चीज को तोड़ने। देख रहे हैं क्या चीज है, तो ये है आंवला। तो यहाँ पे हम लोग ना आंवला तोड़ने के लिए आए हैं और आंवला बहुत सारा फल पकड़ा है। आंवला तो देखिए तोड़ चुके हैं हम लोग और अब इसको हम लोग चुन रहे हैं। देख रहे हैं कितना पका पका आंवला है, देसी आंवला है। आई बात बताइए, बताओ नो बताओ। आज तो आंवला ही आंवला, आंवला ही आंवला। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में ना बनने जा रहा आंवले का अचार। तो आज हम लोग तोड़े हैं देसी आंवला और देसी आंवला का अचार बनाने वाले हैं। तो घर पर लेके चलेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग अचार बनाते हैं। आंवला को हम साफ कर देते हैं इस तरह से, साफ साफ आंवला इसमें से निकाल देंगे। तो आंवला में से जितना इसका डंठल उंठल है निकाल देते हैं और आंवला को हम दो तीन पानी धोएंगे। इधर हम चूल्हे में पानी बैठा रखे हैं और पानी को गर्म हो जाने देते हैं। देखने में काला पीला लग रहा है आंवला, लेकिन ये पूरा एकदम पका हुआ आंवला है। तो इसका कुछ भी बना सकते हैं अगर पका आंवला है तो। इसको बढ़िया से हम धोएंगे, क्योंकि पेड़ से हम तोड़ के लाए हैं तो पूरा मिट्टी इसमें लगा पड़ा है। तो इस तरह से बढ़िया से धो धो के और रख देंगे। पानी गर्म हो गया है तो इसी पे एक स्टेनर रख देंगे। आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से आप बनाएं, तरीका यही रहेगा। 10 मिनट उबालेंगे। इधर देखिए हम लोग ना आंवला उबालने के लिए बैठा दिए हैं। इधर शाम का भवरी का तैयारी कर रहे हैं, शाम को बनेगा भवरी। लाला जी मटर का अचार भी बनाए हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, है बहुत टेस्टी बनाए हैं अचार। और इधर देखिए हमारा काम लाला जी कर रहे थे, कितना बढ़िया उबल रहा है, देख रहे हैं। 2-5 मिनट और उबाल देंगे, फट जाए ना तो फोड़ों का ना पड़ी तरह। हाँ, तो इसको ना और हम लोग मतलब कुल मिला के 15 मिनट उबाल रहे हैं। तो हमारा जो आंवला है ना, ये देखिए कितना अच्छा उबल चुका है। इस तरीके से हाथों से छुइएगा तो ये फटना लगेगा। देखिए ये देख रहे हैं, ये देखिए गरम, आराम से टच करें नहीं तो नीचे ज़मीन पर ये फर्श पे इस तरीके से दबा के देखें। ये देखिए दब रहा है एकदम अच्छा से, ये उबल चुका है, ये भाप में ही पक गया है। काफी गर्म होता है, सावधानी से इसको निकालें। देख रहे हैं कितना बढ़िया भाप में पक गया है, इसमें पानी नहीं घुसता है भाप में पकाने से। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या हम इसमें मसाला डालने वाले हैं। तो देखिए आंवला का भाप ना खत्म हो चुका है, हल्का फुल्का है, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। ठीक है, तो मसाले क्या क्या ली हूँ मैं वो आप देख। यहाँ पे लिए हम हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, सरसों पाउडर, नमक, अजवाइन, सौंफ और काला मंगरेल। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। ये जो आंवला है ना, ये 2.5 से 3 किलो है, तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच खाने वाला चम्मच से डाल रही हूँ। थोड़ा ज्यादा डालेंगे तो अच्छा पीला नजर आएगा। अब यहाँ पे हम मिर्ची पाउडर भी डालेंगे 3 चम्मच, ये अपने तीखे के अनुसार आप डाल सकते हैं। 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, ये सब घर का बनाया हुआ धनिया पाउडर हल्दी पाउडर है, हम लोग खुद से बनवाते हैं मशीन में। हमारे यहाँ जैसे कि चक्की मशीन जो होता है ना, वहाँ पे हम लोग धनिया को सुखा के बिन फटक के फिर बनवाते हैं मसाला। और यहाँ पे देखिए हम 250 ग्राम सरसों का ये पाउडर है, इसी में डालेंगे 1.5 से 2 चम्मच। हम डालेंगे अजवाइन, 1 चम्मच खाने वाला चम्मच से मंगरेल बोल रही सौंफ, और 1 चम्मच जितना मंगरेल भी, काला मंगरेल। अब लास्ट में आती है बारी नमक की, तो नमक हम डालेंगे 3 चम्मच खाने वाला चम्मच से,
थोड़ा अचार में ना चटक नमक ही अच्छा लगता है। हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल, ये सरसों का तेल है, ये 250 से 300 ग्राम अभी डाल रहे हैं हम। एक लीटर में 250 ग्राम के करीब मैं डाल चुकी हूँ, देखिए। अब इसको अच्छे से हम चलाते हुए मिक्स करेंगे। अगर आपको अच्छा कलर अचार में लाना है तो आप यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच देगी मिर्च डाल सकते हैं। मैं भी डाल दूँ क्या? तो ये देखिए, ये देगी मिर्च है, इससे तीखा नहीं होगा, सिर्फ कलर आएगा। तो इसमें 2 चम्मच डालेंगे, बिल्कुल लाल लाल आपका अचार दिखेगा। बिना डाले भी हमारे गांव में तो बिना डाले ही बनता है, लेकिन है तो आप डालें, नहीं है तो ना डालें। स्टील वाला में डाल दें ना। अच्छा तरीके से हम मिला लिए हैं इसको। बड़ा बर्तन में इसलिए मिलाई ना कि मसाले चारों तरफ इसमें मिक्स हो जाएंगे और फिर अच्छे तरीके से हम इसको स्टील के बर्तन में हम इसको 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाएंगे। देखिए तो मसाला ठीक बना, ये देख रहे हैं चारों तरफ से चला चला के मिला लिए हैं। और जब आप रोज इसको ना सुखाइएगा तो क्या कीजिएगा ना, ऐसा चमचा रखिएगा लकड़ का या कोई सा भी स्टील का, और इसको ना जब धूप लगे 1 घंटा 2 घंटा तो बीच बीच में जा के इस तरीके से अचार को चला देना है। तो जब आप 3 दिन इसको सुखा लीजिएगा ना, उसके बाद मैं इसको स्टोर करने का तरीका आपको बताऊंगी। विनेगर आमचूर डालने की कोई जरूरत नहीं है, ये आंवला जो होता है ना इसमें खुद का गुण होता है खट्टापन, उसी से ये जो अचार है ना 3 साल 4 साल 5 साल चलेगा। बस इसको धूप में प्रॉपर दिखाना है। अगर आपके पास धूप नहीं है तो मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगी किसी टाइम कि कैसे बनाए। तो ज्यादा जैसे कि ज्यादा क्वांटिटी में बिना धूप का जो आंवले का अचार बनता है ना वो थोड़ा खराब होने के चांस रहता है, तो आप कम क्वांटिटी में बना के खा सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से लाला जी बना के दिखाएं आप लोगों को, हैं आप बोलिएगा तो मैं भी बना के दिखाऊंगी। देख रहे हैं ये धूप वाला अचार है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जितना समय लगेगा उतना ही अचार अच्छा बनेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि इंस्टेंट वाला बताइए अनिता जी, तो जितना समय लगेगा उतना ही अच्छा बनेगा। अगर लॉन्ग टाइम लगा के आप बना रहे हैं तो लॉन्ग टाइम तक चलेगा भी। तो बस ये आप लोगों के ऊपर है कि देखना है कितना दिन अचार को रखना है। अगर नहीं, अगर आपको 1 किलो आंवले का बना रहे हैं, 1/2 किलो आंवले का बना रहे हैं, तो क्या करें कि जैसे मसाला ये मिक्स कर लिए, आपके पास बालकनी में धूप नहीं आता है तो मैं जुगाड़ बता रही हूँ, चूल्हे पे गैस पे कढ़ाई रखिए और कढ़ाई रखने के बाद उसको मतलब धीमी आँच पे 5 मिनट तक इधर से चलाते रहिए, उसको इधर उधर पलटते रहिए। और उसके बाद आप किसी बर्तन में रख दे, ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाए तो उसमें तेल को क्या करेंगे गरम करके और ठंडा कर लें, उसके बाद उसमें डाल के स्टोर कर सकते हैं। बहुत आसान सा मेथड है, आप कर सकते हैं। तो बस अच्छा से हमारा ये अचार मिक्स हो चुका है, देखने में अभी से ये आंवला का अचार का ये खूबी है कि आप अभी बनाइए, अभी से खाना स्टार्ट कर दीजिए, इतना फायदेमंद है, इतना टेस्टी लगता है। तो देख रहे हैं इसको ना हम स्टील में इसलिए रख रहे हैं कि ये ना आंवला में कसैलापन होता है, तो अल्मोनियम में रहेगा तो वो खराब कर देगा बर्तन को। स्टील में हम सुखाएंगे, स्टील का बर्तन जो था हमारे पास छोटा था इसलिए मैं बड़ा बर्तन में मिक्स की। तो ये अचार अभी से खाने के लिए रेडी है। आप इसको चाहे 2 साल के लिए स्टोर करें, चाहे 3 साल के लिए स्टोर करें, लेकिन 3 दिन सुखाने के बाद ही इसका स्टोर करने का आपको मैं ट्रिक बताऊंगी। तो इसको पहले सूख जाने दीजिए, आप लोग भी थोड़ा तसल्ली रखिए। ये अचार बहुत से लोग बोलते हैं ना कि जिसे अचार को हाथ से नहीं छूना चाहिए, बिल्कुल सही बोलते हैं। अगर आपका हाथ साफ सुथरा है तभी छूए, नहीं तो जैसे कि हाथों में आटा लगा रहता है कभी कभी और हम लोग छू लेते हैं तो ख़राब हो जाता है अचार। तो बस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि जब हम जैसे बड़ा वाला बर्तन में अचार हम जब ही छूते हैं जब हाथ बिल्कुल साफ़ हो तो, नहीं तो चम्मच से निकालें।
और अभी जैसे मैं छू रही हूँ तो अभी हमारा हाथ जो है बिल्कुल साफ है, तो आप लोगों को मैं एक पीस दे देती हूँ, अभी रोटी से लेके खा लीजिए, मजा आ जाएगा है। और बाकी तो हम 3 दिन के बाद मिलेंगे आपसे, आप लोग भी इंतजार कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ कचरा वचरा ना पड़े सुखाएं तो, ठीक है। इसको जालीदार कपड़े से ढक दें या जालीदार कोई आता है छन्नी टाइप का उसको ढक के फिर इसको धूप लगाना है, और नहीं तो आपके पास अगर बड़ा मर्तमान है तो बड़ा मर्तमान में डाल के इसको सुखाते रहें या चलाते रहें, सिंपल से बात है। तो अभी हमारे पास मर्तमान में अचार रखा हुआ है, तो अभी हम उसको दूसरे जगह ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसमें डाल के स्टोर करेंगे, तब दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए दोस्तों, आज हम लोग ना अचार स्टोर कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम चला चला के 4 दिन तक अचार को, जो आंवला का अचार है ना, सुखा लिए हैं। अब ये सालों साल चलेगा, आप 4 साल रखिए, 5 साल रखिए, ये आपके मर्जी के ऊपर है, जितना दिन में ख़त्म ना हो उतना दिन में आप इसको खा सकते हैं। स्टोर करने के लिए हम कोई भी जार लेंगे जो कि साफ सुथरा धुला हुआ और धूप में सूखा हुआ, अच्छा से हम जार को धो लिए, सुखा लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपना आंवला, आंवला का अचार स्टोर करने का तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ दोस्तों। आंवले का अचार में अगर कलर लाना है, रेड रेड कलर, तो क्या करेंगे, इसमें 2 चम्मच खाने वाला चम्मच से या 3 चम्मच देगी मिर्च डालें। ये देगी मिर्च आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो देगी मिर्च डालें, इससे क्या होगा कि रेड रेड कलर आपका अचार में आ जाएगा। अगर पहले डाल देंगे आप मसाले के साथ तो ये ना क्या होगा ना कि ये धूप से कलर उड़ जाता है, तो पहले ना डालें। अब इसको हम देखिए सारा आंवला इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस आंवले को अचार को आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे इसमें कम तेल है, लटपट तेल है, तो लटपट तेल में भी रख सकते हैं, लेकिन ये कम दिन तक चलेगा। अगर आप इसमें ज़्यादा तेल डालेंगे तो 4 साल 5 साल 8 साल चलेगा। हम इसमें मसाले जो है डाल लिए हैं, कोई मसाला बचा नहीं है हमारा। 1 पैकेट तेल लिए हैं, ये देख रहे हैं, ये जो तेल होता है ना फिल्टर होता है, इसमें प्रेजर्वेटिव डाला हुआ होता है, तो इसको आपको धुआं निकालने का, गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना धुआं निकाले इसको डाल सकते हैं। अगर घर का कच्चा घानी का, जैसे हमारे खेतों में जैसे सरसों होता है, उसका तेल हम कॉलू से निकलवाते हैं तो उसको गर्म करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तेल को हम इसमें डालने वाले हैं, इसमें आप 0.5 लीटर भी डाल सकते हैं या पूरा का पूरा 1 लीटर। तो इस तरीके से तेल जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही लॉन्ग टाइम तक आपका अचार चलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम पूरा तेल डाल दिए हैं, पूरा 1 लीटर, और ये आसानी से आपका जो अचार है ना ये चल जाएगा 5 से 7 साल तक। अब इसको ढक्कन से थोड़ा कवर करके और एक बार इस तरीके से हिला देंगे कि चारों तरफ हमारा जो तेल है चारों तरफ चला जाए। ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे करें क्योंकि भारी हो गया अचार के कारण। क्या करना है कि इस अचार को 1 से 2 दिन के लिए आपको धूप में सुखाना है, और फिर इसको आप जहाँ भी टांड पे रखते हैं वहाँ रख दें। अगर इसमें से अभी से खाना चाहते हैं या जिस दिन से मैं बनाई थी उसी दिन से आप खाना चाहते हैं तो क्या करें कि अलग से एक डब्बा में अचार को निकाल के रख लें, छोटा डब्बा में, बार बार जैसे हाथों से ना छूएं अचार को, जैसे कभी भी निकालने जा रहे हैं स्टोर किया हुआ अचार, तो उसको ना चम्मच साफ से या हाथ साफ होना चाहिए, तभी हाथ से निकाल सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप जब स्टोर कीजिएगा अचार तो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। इधर देखिए मैं मिर्च का अचार भी स्टोर करने का तरीका बताई हूँ आप लोगों को, तो ये जो मिर्च का अचार है 10 साल तक चलेगा, गारंटी है दोस्तों हमारा। इस तरीके से अचार बना के देखिए, आपका अचार मतलब इतना लॉन्ग टाइम चलेगा कि आप बोलिएगा कि पहले क्यों नहीं बताए आप। तो मैं आप लोगों के साथ जो तरीका शेयर की हूँ, मिर्च का अचार बनाने का तरीका, आंवले का अचार बनाने का तरीका, अब मेरे को कौन सा अचार बनाना है ये आप लोग बताइएगा, वो मैं अचार बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हमारा अचार बनाने का तरीका कैसा लगा आंवले का ये भी बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिनको अचार बहुत पसंद है उनके साथ हमारा वीडियो को साझा करें, अपना कीमती समय दे के हमें देखते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जब तक के लिए आप लोग इंजॉय करें ये आंवले का अचार।